हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग प्रतिभा रावत फैमिली व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो बस कुछ नहीं, बैठे थे अभी और कुछ शानू को नला के लाई तो उसको तैयार किया। तो उसने कहा कि मम्मा आज हम कहाँ जा रहे हैं? मैं तैयार हो गई हूँ, स्कूटी से जाएंगे, कार से जाएंगे। इसको रहता है कि बस नहा धो के तैयार कर दिया तो हम कहीं घूमने ही जा रहे होंगे तो बस हमेशा इसलिए रेडी रहती है। तो अभी दिखाती हूँ उसको क्या कहती है। शानू सबको हेलो बोल दो। सबको फ्लाइंग किस कर दिया। अच्छा तो बोल दो कैसी लग रही हूँ मैं? कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम मॉल जा रहे हैं। नहीं हम कहीं नहीं जा रहे हैं। इसको पता आए दिन इसको रहता है हम मॉल जा रहे हैं तो वहाँ मैं बस घूमूंगी। वो उसको अपने अच्छे अच्छे वो दिख जाते हैं, टॉयज दिख जाते हैं तो बस अब क्ले देख के कहती है अब छुट्टियाँ हैं ना तो बस मम्मा मेरे साथ खेलो। तो मैंने सोचा चलो उसके साथ कोई गेम खेला जाए। तो अभी हम बताते हैं क्या खेलते हैं। तो अब हम खेलने जा रहे हैं हाइड एंड सीक गेम। और उसके बाद ये कहती है कि मम्मा मैं छुपूंगी आप मुझे ढूंढना। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये वाला गेम ही खेलते हैं। इसको बड़ा अच्छा लगता है छुपने में। और फिर कहती है कि मुझे देखना नहीं है, मतलब मुझे ढूंढना नहीं है, बस मैं छुपी रहूंगी और बहुत देर तक मैं छुपी रहूँ, मुझे आके धप्पा नहीं करना तो बस देखते हैं। आ जाओ, कहाँ होगी शानू? शानू कहाँ है? इधर तो नहीं है। कहाँ गई? पापा की शानू देखी? पता नहीं कहाँ गई भाई। अभी तो यही थी, अभी तो यही थी। नीचे तो नहीं है भाई। नहीं इधर भी नहीं है भाई। कहाँ चलेगी लड़की? कहाँ गई? कुछ आवाज आ रही है ना? अब आप मुझे ढूंढना जाओ। अब मैं छुपूंगी तो ये मुझे ढूंढ देगी। 1 2 3 आप आ जाओ। अरे आप ढूंढोगी ना? आप ढूंढो शानू कहाँ है मम्मी। अभी ब्रूनो के पीछे इसको ढूंढेगी। अब आएगा मजा। जाओ ढूंढो काहे बन्नी। काम क्या होगा? फाइन करो तभी आपको गिफ्ट मिलेगा। शानू ढूंढ इधर ही है, इधर ही ढूंढो। कहाँ ढूंढेगा शानू? ढूंढो ढूंढो कहाँ है ये शानू को नहीं मिला। शानू हार जाएगी। शानू बोलो बोलो माइंड मुंह से बोलो। आइडिया मुंह से बोलो। आइडिया कहाँ गई? ढूंढो ढूंढो ढूंढो। सब चेक करो ना, आप सब चेक नहीं कर रहे हो। आप सब चेक बाहर उस रूम में नहीं है, इसी रूम में चेक करो। अरे नहीं शानू को मिल गई। शानू ने अब देखो फ्रेंड, मैंने डॉल भी और बनी भी ढूंढ लिया। डॉल भी बनी भी। और डबल ये आई एम द विनर। ये आई एम द विनर। हैप्पी हैप्पी।
तो फ्रेंड्स ऐसे गेम्स खेलते रहने चाहिए बच्चों के साथ, थोड़े बच्चों का ना माइंड भी शार्प होता है इस चीज से, थोड़ा सा ना बच्चे अपने आइडियाज लगाते हैं, थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाते हैं, तो थोड़ा सा बिजी रहते हैं। तो ऐसे गेम छुट्टियों में सब बच्चों के साथ सबको खेलने चाहिए। खाना खाते हैं, अब खाने में देखते हैं क्या बना है। ओ चावल, और ये बनी है दाल। किस चीज की दाल है देखें। अच्छा मिक्स दाल बनी है। इधर है सैलेड खीरा और रायता। तो अब खाना खाते हैं। खाने में दाल चावल बना है विद रायता, तो इसको भी खिलाती हूँ पहले। मैनू खाना खाना है। हाँ, क्या बनाया आज आपके लंच में? दाल। हाँ शुक्र शुक्र शुक्र, वेरी गुड। तो बारिश होने वाली है, बादल गरज रहे हैं, धीरे धीरे बूंदे पड़ने भी लग गई हैं। अरे वाह शानू, मजा आएगा। ये देखो अब इसके पापा इसको ढूंढ रहे होते हैं। शानू क्या कर रहे हो आप? शानू देखो क्या आ रही है, शानू देखो। अरे वाह, अरे वाह, बारिश। हाँ इसकी मूंछ बना दो, दिखाओ शानू। अरे वाओ शानू तो बड़ी अच्छी लग रही है। अब शानू बारिश आ रही है, बारिश में क्या करोगी? ओ देख पापा ने मूंछ लगा ली। ये वाओ, अब तो इतना अच्छा मौसम हो गया है ना, थोड़ा सा लग रहा है बारिश तेज पड़ जाए तो थोड़ी सी गर्मी तो कम हो। ये देखिए कल हमारे यहाँ पे वायर में ऐसे आग लग गई थी और इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई थी कि सारी, क्योंकि ये आग ना ऐसे वायर से टच होते होते इतनी सारी वायर है यहाँ पे, और रात के 2:30 बजे ऐसे हुआ था। तो बस इसके बाद मतलब 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, तब जाके इसमें ये वायर जुड़ी। बढ़ गई आग। वाओ कितनी ठंडी ठंडी हवाएं चलने पड़ी, मजा ही आ रहा है। ये वाओ मॉनसून आ जाए जल्दी से तो मजा आ जाए। रात के 2:30 बजे वो तो हमें अचानक से फिर फ़ोन आया, तो तब जाके हम लोग फटाफट घर से बाहर आए। शुगर है उठे हुए थे, एडिटिंग कर रहे थे, तो इसीलिए मेरे हस्बैंड और मैं फटाफट से आए। जिनको कार हटानी थी, क्योंकि ये ना वायर टच हो गई, यहाँ कॉलोनी के अंदर ना थोड़े सबकी कार हैं, तो सबको अपनी कार वहाँ से हटाने के लिए दिया। तो ये देखिए, तो बस उसके बाद 1 घंटे बाद फायर ब्रिगेड आई, तब जाके आगे का काम शुरू हुआ। ये देखिए वो, देखिए वाह ठंडी ठंडी हवाएं। ये देखिए पेड़ कैसे मिल रहा है। अरे वाह, अरे वाह, ये देखो ये देखो ये देखो। अरे अरे अरे, राम से राम से, करो करो। अरे वाह, अरे वाह, शानू बारिश आ रही है, कैसा लग रहा है शानू? ये देखिए वाह क्या मौसम हो गया। रेन रेन शानू, रेन रेन कम अगेन। ये देखिए इनकी तो यही मस्ती शुरू हो गई। बहुत टाइम बाद दिल्ली में इतना प्यारा प्यारा मौसम हो रहा है। आहा, मन कर रहा है अंदर ही ना जाए, इतना अच्छी हवाएं। वाह ये आज और कल तो इतनी ज़्यादा गर्मी कि पूछो मत, क्या ही बताएं। तो थोड़ा सा ऐसा मौसम भी बहुत ज़रूरी था, होना भी चाहिए था, ऐसी बारिश हो जाए थोड़ा तो मज़ा ही आ जाए और अच्छी तेज। अभी तो सिर्फ हवाएं चल रही हैं। ये शानू मज़ा आ रहा है आपको, हैं शानू?
तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि कल रात 2:30 बजे करीब वहाँ तारों में बहुत ज़्यादा आग लग चुकी थी, जिसकी वजह से मतलब रात ही रात में फटाफट से हमें भी फ़ोन आया कि फटाफट बाहर आइए, अपनी कार हटाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें ना वायर मतलब बहुत ज़्यादा पावर कट भी होने लग गया था, और जिसकी वजह से हम लोगों को फटाफट से जाना पड़ा और देखा। लेकिन ये है कि इस टाइम पर हमेशा फ़ोन ही आपका साथ देता है, तो हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि फ़ोन से ही आप लोग थोड़े सतर्क रहते हैं। और इसके बारे में अभी रुक जाओ, मैं थोड़ा हस्बैंड भी बताएंगे। कहते हैं आप सब, तो जैसे कि प्रतिभा बता रही थी कि कल रात को कैसे हुआ था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग लगी थी वायर में। तो ये था कि कम से कम मतलब 1 बजे की करीबन ये बात है रात को, तो आवाज़ें हाँ। तो हमें आ रही थी लेकिन हमने इग्नोर कर दिया कि मतलब हाँ मतलब 1 बजे की बात है, और तब मुझे लगा कि आवाज़ें आ रही हैं लेकिन हमने इग्नोर कर दिया। तो लेकिन उसके बाद जब हमारा वाईफाई का कनेक्शन हो रहा तो थोड़ा मुझे डाउट हो गया था। उसके बाद फिर प्रतिभा की फ्रेंड का कॉल आया, ये जो ऊपर ही रहते हैं हमारे, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आग लगी है, तो बाहर जाके देखा था आग लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। सही है। तो उसके बाद जब मैं 1 बजे के बाद फिर लगी थी, तो उसके बाद फिर मैं 2 बजे गया बाहर, मतलब 2 बजे के बाद ही हमें पता चला कि ज़्यादा आग पकड़ गई है वायर में। तो उसके बाद फिर देखा बाहर जाके, फिर बाद हमने बुलाया तो फायर ब्रिगेड वालों को भी बुलाया हमने, तो फिर तब जाके आग बुझी, वरना बहुत ज़्यादा यहाँ पे। और उसके बाद फिर पावर कट भी हो गई थी, तो लेकिन हो गया उसके बाद मामला। अभी भी लाइट जा रही है क्योंकि रिपेयरिंग चल रही है। तो आज भी तो दिन भर में कितने टाइम तक लाइट नहीं थी, कितनी ज़्यादा गर्मी थी। 3 बार चली गई है। हाँ, वाईफाई का कनेक्शन हट गया था, कितने देर में आया है मतलब शाम को। हमने लेट अपलोड, थोड़ा सा एडिटिंग भी हमारी, एडिटिंग तो हो गई थी, अपलोडिंग में थोड़ा सा टाइम लग गया था। ये देखिए क्या हवा चल रही है, ये क्या ऐसा मौसम होता रहे तो मजा आ जाए। बच्चे की अपनी मस्ती चल रही है, अरे वाह, अरे वाह, वेरी। क्या खेल रहे हो आप सब, क्या खेल रहे हो आप सब, आप सब बताओ, सब बताओ। और कौन सा गेम आता है आप सबको? आज तो शानू और मैंने हाइड एंड सीक खेला था घर पे। इंडोर गेम्स में तो बारिश शुरू हो गई, फाइनली मजा आ गया। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, खाना खाते हैं और कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बस जैसे कि मैंने आपको बताया आज की, थोड़ा लाइफ में थोड़ा सा अलर्ट रहिए, जैसे भी कहीं पे भी आग लगे तो तुरंत फायर ब्रिगेड को फ़ोन करें और तुरंत अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकलें और मौसम का आनंद लीजिए, मौसम के मज़े लीजिए। मिलते हैं कल नए ब्लॉग के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, टेक केयर। तो कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।